हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले पौधों में वाहन। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है मानव में वाहन, तो अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। जय प्रक्रम लाइव प्रोसेसेस प्लेलिस्ट में गिवन है। तो पौधों में वाहन मेन हम जानते हैं दो चीज़ों का वाहन होता है। कौन कौन सी वो दो चीज़ें हैं? तो पहला जल तथा खनिज, और दूसरी कौन सी चीज़ है? तो है भोजन। अब जल तथा खनिज के लिए एक अलग बनाया गया है और भोजन के लिए अलग। क्यों? क्योंकि जल तथा खनिज पौधे के जड़ से ऊपर की ओर लेके जाना होता है, और भोजन पत्तियों में बनता है, तो उसको ऊपर और नीचे पूरे बॉडी में नॉन ग्रीन पार्ट्स में लेके जाना होता है। तो जल तथा खनिज को ले जाने के लिए हमने पढ़ा है पहले ही 9th में, जाइलम उत्तक बनाया गया है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला जाइलम वाहिकाएं, और दूसरा क्या होता है? ट्रैकेट्स। इसको हिंदी में भी ट्रैकेट्स ही बोलते हैं। भोजन के लिए फ्लोयम उत्तक बनाया गया है। ये भी दो टाइप का होता है। पहला चलनी नलिकाएं, जिसे हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स इंग्लिश में, और ये होता है दूसरा सहकोशिकाएं, जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स बोल सकते हैं। तो जाइलम फ्लोएम, इन दो में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये जल तथा खनिज का करते हैं, ये भोजन का। जाइलम केवल ऊपर की तरफ वहन करता है, और जबकि फ्लोएम ऊपर तथा नीचे दोनों की तरफ। जाइलम के पार्ट्स लिख सकते हैं, इसमें फ्लोएम के पार्ट्स लिख सकते हैं, और भी दो तीन टॉपिक आपको नॉर्मल बुक्स में मिल जाएंगी रेफरेंस में, तो उस पर मैं ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। अब जल तथा खनिज का कैसे जाइलम उत्तक इसे करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल NCERT जब पढ़ेंगे हम लोग तो लगेगा ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन जब हम रेफरेंस में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली वो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। दो टाइप से जाइलम मेन कह सकते हैं जल तथा खनिज का वहन करता है। तो पहला टाइप होता है जड़दाब, यानी कि रूट प्रेशर, और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन अगर हम देखें तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में वाहन की जगह क्या होता है? उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन में भी हम एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन, तो वो मैं यहीं पे आपको क्लियर करा दूंगी। वाष्पोत्सर्जन, तो दो प्रक्रिया, जड़दाब और वाष्पोत्सर्जन को अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये दो प्रक्रिया द्वारा क्यों करता है जल तथा खनिज का, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। जड़दाब काफ़ी अच्छे नंबर देने वाला क्वेश्चन है, तो अब हम लोग बहुत ईजी वे में इसे समझ लेते हैं, जबकि जब हम लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट विद्या जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से दिया, तो पहले ही हम इसे समझ लेते हैं। तो मृदा से जड़, एक यहाँ पे हो गया, ये मान लेते हैं जड़ है। अब यहाँ पे आयंस, या फिर हम बोले खनिज या जल, तो मृदा है यहाँ पे। अब मृदा में क्या पाए जाएंगे? आयंस या खनिज या जल। तो मृदा से आयंस को जड़ अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के लिए ATP यानी कि ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब किसी पदार्थ को अवशोषित करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़े तो उसे बोलते हैं हम सक्रिय अवशोषण, या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जब सक्रिय अवशोषण होता है तो बाहर मृदा में जल कम हो, जल तो ज़्यादा होता है लेकिन आयंस की कमी हो जाती है, जबकि जड़ में क्या होता है? जल कम रहता है और आयंस ज़्यादा होते हैं। तो जल अपने आप ही जड़ में और ज़्यादा, कह सकते हैं, हम जानते ही हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है जल की, तो यहाँ से जड़ में जल तेज़ी से जाने लगेगा। इतने फोर्स से जाता है कि वो जड़
से न केवल थोड़े से ऊपर भाग में भी चला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं जड़दाब। यह पूरी प्रक्रिया जड़दाब कहलाती है। अब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मृदा से जड़ आयंस एब्जॉर्ब करेगी, एटीपी का यूज़ करके जब किसी पदार्थ को अवशोषित करते हैं एटीपी का यूज़ करके, तो उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण। बाहर मृदा में जल ज़्यादा आयंस कम तथा जड़ में जल कम आयंस ज़्यादा, इसलिए जल अपने आप ही जड़ में अवशोषित होने लगता है और इतने फोर्स इतने बल के साथ होता है कि ये ऊपर तक जाने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे जड़दाब। अब जड़दाब क्यों, इतना कोई जड़दाब की जगह वाष्पोत्सर्जन का प्लांट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जड़दाब जो होता है वो ज़्यादा लंबाई में उसकी कार्य की क्षमता नहीं होती है, वो कुछ ही, जैसे हम जानते हैं पेड़ तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं तो वो बहुत कम तक काम कर पाता है, इसलिए पेड़ों को ज़रूरत पड़ी वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया कि ये मेन एक्सक्रिएशन यानी कि एक्सक्रिएशन उत्सर्जन में मेन पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहीं पर बता दे रही हूँ तो दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। तो हम जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो अगर इसको बोलें जल का वाटर वेपर के रूप में वायवीय भागों से लॉस या घटना, मान लिया ये पत्ती है, अब पत्ती में हम जानते हैं स्टमक यानी कि रंध्र होते हैं, तो रंध्र से क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि यहाँ से जल थोड़ा थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण में मिलता रहता है, किसके रूप में, तो वाटर वेपर के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल घट रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे मान लिया जड़, यहाँ पे जड़ से आ रहा है किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। अब जाइलम में है, अब यहाँ पर जब अचानक से जल की कमी होने लगी तो हम जानते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ से ऊपर तक जल जाने लगता है। तो आई होप समझ में आ गया हो जड़दाब और वाष्पोत्सर्जन, बहुत इजी थे, मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया, इसे मैंने दो दो बार समझा दिया बिकॉज ये बहुत स्टूडेंट्स को कठिन लगता है। अब हम जल की जगह देख लेते हैं, जल या खनिज दोनों ही इसी में हो जाते हैं। अब हम भोजन में देख लेते हैं कैसे होगा। अब भोजन का वाहन, तो भोजन का वाहन बहुत ईजी है, तो पहले इस प्रक्रिया को, भोजन के वाहन प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, हिंदी में बोलते हैं हम इसे अनुवादन। भोजन का एक जगह से दूसरी जगह जाना अनुवादन कहलाता है। मान लिया ये पेड़ है, ये मैं एक पत्ती का केवल एग्जांपल ले रही हूँ, ये अलग अलग तने हैं, ऐसे मैं बहुत गंदा सा बना दे रही हूँ। अब ये एक पत्ती में हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बन गया। यहाँ पे भोजन किस रूप में बनता है, तो सुक्रोज के रूप में। जब हम अनुवादन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हमेशा सुक्रोज लेते हैं, यहाँ पे सुक्रोज के रूप में बन गया। अब सुक्रोज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में, यहाँ पे मान लिया हमने सीव ट्यूब्स हैं जिसे हम बोलते हैं चालनी नलिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। अब चालनी नलिकाएं में क्या होगा, सुक्रोज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो चालनी नलिकाओं में आ जाएगा। चालनी नलिकाओं में सुक्रोज की मात्रा अधिक है तो जल भी यहाँ से थोड़ा सा आ जाएगा। अब जब जल की मात्रा यहाँ पर अधिक है, सुक्रोज की मात्रा अधिक है, तो फिर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है पौधों में, वहाँ वहाँ भी भोजन पहुँचने लगेगा। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया थी, भोजन का वाहन क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। तो पौधों में वाहन मैंने पूरा कवर करा दिया, एंड आई होप समझ में आ गया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।